हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए, क्वेश्चन मैं एक्चुअली नंबर सिस्टम से लेके चल रहा हूँ, क्लास 9 का है। तो चलिए चलते हैं, देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ट्रिक्स यदि जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो ट्रिकी मैथ्स मेरा अलग प्लेलिस्ट है, लेकिन ये क्लास का मैं जो है उसको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए रहता है क्योंकि देखिए रेशनल नंबर में यदि नीचे वाला यदि जीरो हो जाता है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म कहलाता है या इनफाइनाइट कहलाता है, जिसके चलते जो है सो वो संभव नहीं होता, इसलिए इस चीज़ को लिख दिया जाता है कंडीशन को। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे सीधे और एक एक करके सॉल्व करते हैं। कोशिश करेंगे इसमें हम लोग दो तीन जो है और भी मैं लिंक में क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप उसको बना के आप भेज सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये आपको 32.1235 ये 35 पर बार है, इसको आपको करना है। आप बारीकी से देखेंगे, मेरे ख्याल से एक आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आप पूरा को भी देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लेट लिखेंगे x इज इक्वल टू 32.1235 बार। यहां परेशानी क्या होता है इसको देखेंगे। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 32.1235 एंड दिस 35 इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। यदि ये एक ही बार 35 रहता तो सीधे सीधे क्या करते, पॉइंट के बाद जितना जीरो बैठा देते हो जाता हमारा, लेकिन ये इसके चलते डिस्टर्बेंस हो रहा है कि कितना तक जाएगा आपको पता नहीं है, ये हो गया। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद कितना बार 35 है ये आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो आप क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद जो 35 है ना उसको आपको रखना है। तो जैसे इसमें पॉइंट के बाद आपको 35 रखना है, यहाँ के बाद रखना है, तो ये दोनों को आपको पहले लाना है। तो दो को डेसिमल के इस साइड लाने के लिए ये दो के लिए दो जीरो यानी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यदि दोनों साइड को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी ये 100x हो गया इज इक्वल टू, तब आपको 32 ये आपका जाएगा 12, ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, बच जाएगा 35 एंड 35। ये इक्वेशन आपका 2 मान लिया। अब यहाँ पर भी आपको दिक्कत इसलिए है कि पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपको देखिए ये 35 35 है लेकिन यहाँ पॉइंट 1 2 3 5 है। यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद कितना है आपको नहीं पता, तो आप एक बार यदि ये दो को यदि ये 2 3 5 इसको यदि फिर आप इधर ले आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर भी कितना बचेगा वो नहीं पता, इसलिए क्या करते हैं कि इस जो ये रिपीट कर रहा है ये दोनों नंबर को फिर लेके आते हैं। तो ये के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको भी 100 से करेंगे, इसको भी 100 से करेंगे। यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 100 है फिर 100 हो गया, x इज इक्वल टू, तब आपका होगा 32.12, ये 35 ऐसे आ गया पॉइंट। इसके बाद आपको भी नहीं पता कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3। इससे आपको क्या सहूलियत हुआ सो आप बताता मैं। इसके लिए क्या होता है, देखिए अब इसको और इसको यदि आप देखेंगे ना तो पॉइंट के बाद यहाँ और पॉइंट के बाद यहाँ दोनों में एक ही तरह का डिजिट है। इसके लिए यदि इसको और इसको आप माइनस कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, तो पॉइंट के बाद जो आपको जो समस्या है जीरो वाला वो खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, चूंकि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, इसलिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे। आप लिखेंगे बाई सीधे सीधे इक्वेशन ये 3 माइनस इक्वेशन 2, इसमें से यदि इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 99n00x इज इक्वल टू, इसको यदि करेंगे तो ये देखिए आपका है 32.1235.3535, ये जो है ऊपर में ये आपको है ये 1 2 5 एंड 3, ये पॉइंट के बाद 35 ये, तो ये पॉइंट के बाद चूंकि कितना कितना आपको नहीं पता इसलिए पॉइंट के बाद आपका जीरो बच गया। इसको यदि माइनस करेंगे ये 3 हो गया, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये आपको बच जाएगा 2, देन आपका 0, देन 8 एंड देन 1 एंड 3, इतना हो गया। तो ये हो गया इक्वल टू 318023। दिस इम्प्लाइज आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 318023 डिवाइडेड बाई ये कितना है 99 एंड 00। इसको आप काट के देखेंगे ये नहीं छोटा हो सकता है, तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए हैं। चलिए देखिए हम लोग बी को यदि सॉल्व करेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 2.93 ये बार है, इसका मतलब हो गया ये एक्स इज इक्वल टू 2.93 93 93 एंड सो ऑन, ये कितना तक जाएगा आपको पता नहीं है, इसलिए डिस्टर्बेंस यहीं से हो रहा है। आपको यहाँ पर हमेशा ये चीज़ रखना है कि पॉइंट के बाद खाली 9393 ही बचना चाहिए।
तो यदि आप एक बार ये 93 को लेके आते हैं तो आपको कितना चाहिए? यहाँ दो डिजिट को लाना है इधर, यानी 2 0 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये आपको 100x होगा, तब ये हो जाएगा 293 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, दैट इज ये 93 93, ये ऐसे होता जाएगा, कहाँ तक जाएगा आपको भी नहीं पता, अगला को भी नहीं पता, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये दोनों में ही क्या और मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, इसलिए कि यहाँ पॉइंट के बाद 93 से शुरू है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 93 से शुरू है, सीधे सीधे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाय आप लिखेंगे ये इक्वेशन हमारा 2 है माइनस इक्वेशन 1 है, तो 100 में से 1 चला जाएगा, ये बच जाएगा 99x, दिस इक्वल टू, ये आपको इसमें देखिए 293.9393 है, इधर में आपका 2.9393 है, तो पॉइंट के बाद ये कितना है नहीं पता, यानी पॉइंट के बाद ये सेम डिजिट है, इसलिए 0 बच जाएगा, इधर बच जाएगा 291, तो ये हो गया 291, दिस इंप्लाइज आप करेंगे x इज इक्वल टू 291 डिवाइडेड बाय 99, और इसको जब आप स्ट्राइक आउट करेंगे ना, आप इसको 3 से करेंगे, 3 3 और 3 3 और 3 9 एंड 3 7, दैट इज हो गया 97/33 आंसर, इसको आप कर लेंगे। हम लोग बात करेंगे यदि क्वेश्चन नंबर सी की, तो भी बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यदि सी की बात करें तो हम लोग कैसे करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.2, यहाँ रेकरिंग मतलब एक सिंगल है, दिस इंप्लाइज आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0.2222 एंड सो ऑन है, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पॉइंट के बाद 22 है, एक को आप लेके आएंगे तो भी पॉइंट के बाद 22 बचेगा, तो एक को लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 10x होगा, तो इधर हो गया ये 2.222 एंड सो ऑन, आपको नहीं पता उसको भी नहीं पता। अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद ये सेम टाइप का डिजिट है तो 0 हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बाय लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1, ये 10x में 1x चला जाएगा, बच जाएगा 9x इज इक्वल टू ये 2.22 ये है और ये 0.22 ये है, पॉइंट के बाद आपको 0 0 बच गया, इसमें बच गया 2, यानी 2 हो गया, ये इज 2, दिस इंप्लाइज हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/9 आंसर, जो डी है उसको आप खुद बनाएंगे। थैंक यू सो मच।